दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, जिसको आप एचआरआरएल के नाम से जानते हैं, इसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की पोस्ट पे नई वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें हैवी मोटर व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे कि ये जो वैकेंसीज हैं, ये ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है या फिर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा एचपीसीएल का नाम आते ही या फिर ये राजस्थान की रिफाइनरी आते ही आपके दिमाग में ये आने लगेगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। इस प्रकार के काफ़ी डाउट आपके दिमाग में क्रिएट होंगे, लेकिन आज के सेशन में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे कि भई इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्रिटेरिया मांगा हुआ है, एज लिमिट क्या कुछ मांगी हुई है, सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से, कौन कौन से स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, है ना, और किस प्रकार की जॉब है, क्या जॉब प्रोफाइल है, आगे क्या कुछ सैलरी आपको मिलेगी, सारी चीज़ें बिल्कुल विस्तार से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे के सारे डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ सन 2013 के अंदर राजस्थान सरकार और HPCL, उन दोनों के बीच में एक वेंचर हुआ, ज्वाइंट वेंचर, और ज्वाइंट वेंचर यानी PSU, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, LIC है, इसी तरीके से आप जानते भी होंगे HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इस प्रकार की जो कंपनीज हैं उनके बीच में और स्टेट या सेंट्रल के बीच में बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर होते हैं, जिसमें स्टेक्स जो हैं उनके शेयर जो हैं वो बांटे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो HPCL का जो शेयर है वो 74% है इसमें, और राजस्थान सरकार का 26% है। इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में होता है, इसी तरीके से LIC में, और जितने भी PSU हैं उनके बीच में और सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ज्वाइंट वेंचर होते हैं, यानी एक तरीके से बंटवारा या रेशो जो है शेयरिंग का वो बांटा जाता है। तो आप ये मान के चलिएगा, अगर आप इसमें जॉब लग जाते हैं, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर अगर आप जॉब लग जाते हैं, तो आपको निकालने वाला कोई नहीं है। अगर आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं निकालेगा, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, LIC है, उसमें भी तो जॉब निकलती है ना। तो अगर आप इसमें भी जॉब लग जाते हैं तो आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा। एक तरीके से एडिड है ये, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिक्स करके ये एक ज्वाइंट वेंचर है, आप समझ लेना, HPCL और राजस्थान सरकार के बीच में। और वो पूरी की पूरी आपकी जो कंपनी या लिमिटेड बनाई गई है वो क्या है, HRRL, जिसको आप जानते हैं HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से, राइट। अब बात करते हैं कि इसमें जो वैकेंसी है वो किस पोस्ट के ऊपर आ रखी है। हालांकि इसमें यहाँ जो सीरियल नंबर दे रखे थे उसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के नाम के हिसाब से, या कह सकते हैं वैकेंसी जो है वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जारी हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए एक जो पोस्ट है वो लेके आया हूँ, जिस पोस्ट का नाम है, पोजिशन का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 37। सैलरी जो ग्रेड है वो आपकी E0, ये आपकी सैलरी ग्रेड दे रखी है, जिसके बारे में आगे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। पे स्केल इसमें बेसिक पे 30,000 रुपये रहेगा और ये 1,20,000 रुपये तक जाएगा, यानी बेसिक पे 30,000 रुपये, इसके ऊपर सारे के सारे आपके DFEA जितने भी अलाउंसेज वगैरह हैं वो बेसिक पे लगते हैं, आपको पता भी होगा। 30,000 रुपये आपका बेसिक पे है। मिनिमम जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कुछ भी नहीं चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस 0 है, कुछ भी नहीं मांग रखा। मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 25 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन OBC के लिए यहाँ पे 28 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और इसके अलावा जो SC ST हैं वो आपके 30 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, यानी OBC को 3 साल तक की छूट मिलती है और SC ST को 5 साल तक की छूट है यहाँ पे मिलने वाली है, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो 5 सितंबर 2024 से अप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो चुके थे, लास्ट डेट है 4 अक्टूबर 2024। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेट जो आपकी क्रूशियल डेट मानी जाएगी, जिसमें आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्रिटेरिया, एज का क्रिटेरिया सब कुछ काउंट करेंगे, वो करेंगे 26 अगस्त 2024 से। भाई इनके रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से, या कह सकते हैं नोटिफिकेशन के हिसाब से, 26 अगस्त 2024 को क्रूशियल डेट माना गया है, जिसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन सर्टिफिकेट सब कुछ इस डेट से पहले आपके पास होने चाहिए।
चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका एक्सपीरियंस हो, हालांकि इसमें एक्सपीरियंस मांग नहीं रखा, लेकिन फिर भी जितने भी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया हैं वो आपके 26 अगस्त 2024 से पहले फुलफिल होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, कंप्लीशन आपका होना चाहिए, राइट। उसके बाद अगर बात करते हैं जॉब डिटेल की, तो नंबर ऑफ वैकेंसी 37 है, पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फायर एंड सेफ्टी के अंदर, लेकिन यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, HMV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है, तभी ये मैं पोस्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ, यानी ये नोटिफिकेशन आपको तभी दिखा रहा हूँ मैं। अब इसमें जो असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसको ध्यानपूर्वक सुनना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक आप सुने कि भाई इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगी गई है। इसमें सबसे पहले लिख रखा है असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर कि 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा। देखो ये फायर एंड सेफ्टी की पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें जो डिप्लोमा है वो फायर एंड सेफ्टी की ट्रेड में ही आपके पास होना चाहिए, और वो भी रेगुलर, कितनी साल का, 3 साल का। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे देखो और लिखा हुआ है, और क्या हो सकता है, तो अगर आपके पास 3 साल का फायर एंड सेफ्टी का रेगुलर डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास क्या हो सकती है दूसरी क्वालिफिकेशन, साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए, साइंस यानी आपकी जो ग्रेजुएशन है वो साइंस साइड से होनी चाहिए, समझ रहे हो, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस बोलते हैं, तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए साइंस साइड से, और वो भी परसेंटेज मांग रखी है। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स जो है वो होनी चाहिए फाइनल ईयर के अंदर, यानी टोटल अगर बात करें सभी सेमेस्टर्स को मिलाकर के, तो फाइनल ईयर की जो आपकी जो सर्टिफिकेट होती है जिस पे सभी का अरेंजमेंट होता है फर्स्ट ईयर से लेकर के या फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक, तो सभी को मिला करके आपकी टोटल जो परसेंटेज बन रही है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है। समझ में आ गया, तो या तो आपके पास 3 साल का फायर एंड सेफ्टी का रेगुलर डिप्लोमा हो, अगर वो नहीं है तो आपके पास साइंस साइड से ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसमें भी परसेंटेज मांग रखी कैटेगरी के हिसाब से, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ में ये एंड का मतलब और, यानी इंक्लूडेड है ये, क्या, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसको आप ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस भी बोल देते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई 6 महीने का, जैसे मान लो आपके पास रेगुलर डिप्लोमा नहीं है 3 साल का, लेकिन आपके पास 6 महीने का कोई फायर एंड सेफ्टी का कोर्स किया हुआ है, तो वो आगे आपको एडवांटेज देगा यानी फायदा देगा, ठीक है, यहां पे मैंडेटरी नहीं लिख रखा है, लेकिन अगर आपके पास 6 महीने का फायर एंड सेफ्टी का कोर्स किया हुआ कोई सर्टिफिकेट कोर्स है तो वो आपको आगे फायदा देने वाला है, क्योंकि इसमें आगे सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर एक स्टेप है जो इंटरव्यू का है, तो वहां पे आपको फायदा दे सकता है। समझ में आ गया, चलिए जी। अगर मैं बात करता हूं कि क्वालिफिकेशन के अंदर, क्योंकि यहां पे देखो ये फायर एंड सेफ्टी केयर 3 साल के रेगुलर डिप्लोमा को लेकर के डाउट क्रिएट हो सकता है कि किस प्रकार का चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूशन से हमने कर रखा हो, तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ही मेंशन कर रखा है नीचे, मैं वहां से निकाल करके ये आपके साथ में इंक्लूड किया ये पॉइंट, आप देख लेना नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, 44 पॉइंट पे है कि ऑल द क्वालिफिकेशन शुड बी फुल टाइम रेगुलर कोर्स फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड, कि भाई अगर आपने कोई रेगुलर कोर्स कर रखा है तो वो या तो AICTC से अप्रूव्ड होना चाहिए या फिर UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जैसे कि मान लो आपने साइंस से ग्रेजुएट कर रखा है यानी ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप UGC जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उससे ही पास आउट होने चाहिए, या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, और रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड या इक्विवेलेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज अप्लीकेबल, जो भी आपकी स्टेट बोर्ड की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी। समझ में आ गया। अब देखो यहां पे लिख रखा है नेक्स्ट पॉइंट, द कोर्स इज ऑफर्ड बाई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, जैसे बहुत सारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होते हैं, शुड बी इक्विवेलेंट टू द रिलेवेंट कोर्सेज अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जैसे कि AIU है या UGC है या AICTE है, इनसे अप्रूव्ड होना चाहिए जो आपका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है।
एक नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है, कोर्सेज ऑफर्ड थ्रू पार्ट टाइम और डिस्टेंस मोड विल नॉट बी एंटरटेन फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कई होते हैं ना जो डिस्टेंस मोड में या पार्ट टाइम के रूप में अपना कोर्स कर लेते हैं कंप्लीट, तो वो यहां पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इंक्लूड नहीं होगा, मतलब मान्य नहीं होगा। तो रेगुलर बेस पे आपने 3 साल का कोर्स कर रखा हो फायर एंड सेफ्टी का, या फिर साइंस साइड से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस है, उसमें साइंस के ही सब्जेक्ट होने चाहिए, राइट? समझ में आ गया आपको? तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास रेगुलर डिप्लोमा है फायर एंड सेफ्टी का तो वो AICTE या फिर UGC या फिर AIU के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, अगर कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन भी है तो, और वो रेगुलर कोर्स होना चाहिए, है ना, डिस्टेंस और पार्ट टाइम नहीं चलेगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद किस प्रकार की जॉब रहने वाली है, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है फायर एंड सेफ्टी का जूनियर एग्जीक्यूटिव है, JE है, तो उसमें हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं व्हीकल्स हैं उनको भी ऑपरेट करेगा, वो जैसे मान लो एमरजेंसी या फायर फाइटिंग या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको भी ऑपरेट करेगा, समझ में आ गया, वो मॉक ड्रिल को भी ऑपरेट करेगा, और बाकी फायर एंड सेफ्टी से जुड़े हुए जितने भी आप कह सकते इक्विपमेंट हैं उनकी सेफ्टी भी मेजर करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल यानी जो फायर एंड सेफ्टी का पूरा एरिया है तो उसको वो सारे के सारे काम है वो करने पड़ेंगे, चाहे वो व्हीकल चलाना हो, ऑपरेट करना हो, एम्बुलेंस हो, ट्रांसपोर्टिंग जो कैजुअलिटी होती है उनको ले जाना उठाना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये जॉब प्रोफाइल है जिसमें आपसे गाड़ी भी चलवाई जाएगी और फायर जो रेस्क्यू होता है, फायर फाइटिंग जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं तो वो भी आपको सारे टैकल करने पड़ेंगे, समझ में आ गया? चलो उसके बाद आपकी बात कर लेते हैं कि भाई जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पे स्केल बताई हुई थी 30,000 रुपये जो बेसिक पे था, जो जाएगा 1,20,000 रुपये तक, तो इसकी जो अप्रोक्स जो आपकी PA बनेगी, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ जो एनुअल इनकम जो है वो 7,83,000 के आसपास बनेगी, टोटल बता रखी इन्होंने एनुअल जो पे स्केल है उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि जो आपका बेसिक पे है, जैसे कि मान लो यहाँ पे E0 है जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बेसिक पे 30,000 रुपये है, तो इसी 30,000 रुपये के ऊपर जो आपके डियरनेस अलाउंसेस लगेंगे, बाकी आपके कोई भी चाहे HRA हो, पार्क्स एंड अलाउंसेस हो, ठीक है, कैफेटेरिया अलाउंसेस हो, ठीक है, खाने पीने का जो भी कैंटीन वैंटीन का जितने भी आपके अलाउंसेज इंक्लूड होंगे वो आपके इसी 30,000 रुपये यानी बेसिक पे पे इंक्लूड रहेंगे। जैसे यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट भी शामिल थी इसके अंदर, तो वो E1 जो ग्रेड है उसके अंदर आती है, तो ये हमें पता नहीं करना है क्योंकि हम बात करें सिर्फ जूनियर एग्जीक्यूटिव की। तो यहाँ आपकी लगभग मान के चलेगा सभी अलाउंसेज मिला करके, मैंने थोड़ा सा एवरेज निकाला था, तो लगभग 55+ ही आपकी सैलरी पड़ेगी महीने की, 55,000+ ही सैलरी बनेगी आपकी, अगर मैं बात कर रहा हूँ सभी अलाउंसेज को मिला करके, क्योंकि बेसिक पे जो है वो 30,000 रुपये है, समझ में आ गया? और बाकी जैसे मान लो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से जो आपको इक्विपमेंट चाहिए वो भी आपको सारे के सारे दिए जाएंगे, किसके द्वारा? HRRL के द्वारा, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, समझ में आ गया? चलो उसके बाद बात आ जाती है भैया आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसमें देखो पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन दो अलग अलग पोर्शन हैं, ठीक है, जो आपके रिटन एग्जामिनेशन के अंदर यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके अंदर दो पोर्शन रहेंगे, एक तो जनरल एप्टीट्यूड का जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, मैथ्स रहेगा, ठीक है, और पोटेंशियल टेस्ट रहेगा जिसमें लॉजिकल या DI वगैरह होता है ना, तो इस तरीके से आपका पोटेंशियल टेस्ट यानी जिसमें IQ लेवल का जो मटेरियल वो पूछा जाता है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, जैसे कि DI जिसको आप बोलते हो, ठीक है, डेटा वाली सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ इंक्लूड रहेगा किसके अंदर, आपका जनरल एप्टीट्यूड के अंदर, ये टेस्ट हो गया। दूसरा है आपका टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज, कि आपको टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज कितनी है, क्योंकि अगर आपने मान लो 3 साल का, ठीक है, 3 साल का आपने रेगुलर डिप्लोमा किया है फायर एंड सेफ्टी से, तो ऑब्वियसली बात आपको नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकल या प्रोफेशनल, तो वो सारी आपकी चेक की जाएंगी।
लेकिन यहाँ पे स्टेजेस कितने हैं? तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए तीन अलग अलग स्टेजेस हैं। एक तो आपका सीबीटी हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा आपका स्किल टेस्ट हो गया जिसको आप ट्रेड टेस्ट बोल सकते हो, और एक आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तीन अलग अलग स्टेप होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी। तो यहां पे देख लो, ये तो सेम ही हो गया ना। चलो इसके अलावा देखो, यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, तो सीबीटी के अंदर अगर मैं टेक्निकल पोर्शन की बात कर रहा हूं तो इसमें 50% मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं स्किल टेस्ट के अंदर, तो 40% मार्क्स आपके अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहेंगे, बाकी 33.33% जो है वो अदर कैटेगरीज के लिए रहेंगे। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर 40% वही अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, क्वालिफाइंग इन नेचर की बात कर रहा हूं, और एससी एसटी के लिए 33.33% आपको मार्क्स लेने, ये क्वालिफाइंग नेचर के अंदर है। फिर आप बोलोगे सर बाकी जो फाइनल कट ऑफ है वो तीनों स्टेजेस की कंप्लीट जो कट ऑफ है वो लगने वाली है, और साथ साथ में इन्होंने बताया कि जो डिटेल रिलेटेड टू सिलेबस है, यानी कंप्लीट जो डिटेल्ड सिलेबस है, वो जल्दी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर देंगे ड्यू कोर्स, यानी जल्दी आने वाले समय में हम कंप्लीट जो सिलेबस है वो डाल देंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अभी वेबसाइट पे सिलेबस नहीं है, आएगा तो मैं आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ये नोटिफिकेशन भी कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ साथ में देखो, इन्होंने बताया कि फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपका होना चाहिए। इसमें दौड़ भाग नहीं करवाई जाएगी, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है ना वो इसमें दिया गया है। वो कितना दिया गया है तो देख लीजिए, यहाँ पे मेल की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर दे रखी है, वेट 50 किलो, इसके अलावा चेस्ट नॉर्मल होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86.5। फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और वेट 46 किलो यही दे रखा है। इसके अलावा मेडिकल के लिए जितनी भी चीजें हैं वो बता रखी है, जैसे आई साइट जो आपकी 6x6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम वेटिगो प्रॉब्लम, डिजीज ऑफ हार्ट, लंग्स, किडनी, एब्डोमिनल, ब्लड प्रेशर, नोकनी, फ्लैट फिट, ठीक है, स्क्विंट आई एंड स्टेमिंग, कैंडिडेट्स मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडी हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एंड फिजिकल डिफेक्ट, यानी कि शरीर में मेडिकली या कह सकते हैं फिजिकली कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो फिट होना चाहिए, ये यहाँ पे बता रखा है। आई साइट आपकी 6x6 होनी चाहिए। तो यानी मेडिकल आपका मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें आई साइट 6x6 मांग रखी है। नोकनी वगैरह, फ्लैट फ्लूट, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब ओवरऑल जो आपका मेडिकल हो फिट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भाग दौड़ या फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो नहीं दे रखा है, सिर्फ फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो यहाँ पे बता रखा है, जिसमें फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं मेल और फीमेल के लिए, दो पॉइंट याद रखना। इसके अलावा अप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो फ़ी है वो क्या होनी चाहिए, तो इसमें बता रखा एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये लगेगी, प्लस में GST 18%, इन लगभग 180 रुपीज़। तो आप मान सकते हैं कि 1180 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, अगर मैं बात कर रहा हूँ जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए। SC ST जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्जम्प्टेड हैं, यानी कि उनकी कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी, फ्री फ्रॉम द अप्लीकेशन फ़ी, कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी, आप फ्री में अप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं। जनरल और OBC या EWS कैटेगरी के लिए जो फ़ी है वो 1180 रुपये लगेगी, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसके अंदर इंक्लूड थी, और इसमें सैलरी अच्छी खासी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट के लिंक दे दूंगा, ठीक है, कौन सी वेबसाइट पे जाके और एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। बाकी सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वही सेम है जो आपका यूट्यूब चैनल का है, DR एजुकेशन ऑफिशियल, आप सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है, अगर आप पाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता दी है, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही था, आप सभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।